गॉर्जियस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज आप देखेंगे एक ट्राउज़र के ऊपर पेंटिंग। तो यहाँ पर ये कॉटन की एक ट्राउज़र है। तो कलर के लिए यहाँ पर मैं फेब्रिक्रिल की कलर यूज़ कर रही हूँ। छोटी डब्बे बड़े डब्बे सब मिल जाएगी, बट कलर डेट ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेमन येलो कलर यूज़ करने वाली हूँ। आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं। पैंट के अंदर आप कोई भी थिक पेपर जैसे कि कार्डबोर्ड भी रख सकते हैं, आर्ट पेपर का भी रख सकते हैं। यहाँ पर 6 नंबर 4 नंबर राउंड ब्रश से आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो रिसेंट डेट की कलर में क्या होती है, आपको कोई भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, कलर एकदम परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कलर के साथ मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, फिर भी ये कलर कुछ नहीं होगा आफ्टर वॉश भी, ये कलर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कलर कपड़ों के लिए ही बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लावर के साथ और मैंने कोई भी कलर मिक्स नहीं किया है। अब ये 60% जब ड्राई हो, 50% जब ड्राई हो चुकी है, उसके बाद में इस तरीके से थोड़ी सी बस कलर लेके उसके साथ थोड़ी सी पानी मिक्स करके इस तरीके से आपको करना है। पहले बहुत ज़्यादा कलर लेके आपको नहीं करना है, तो फिर ये मिक्स नहीं होगी अच्छे से, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। लेमन येलो बहुत ही लाइट कलर है और टील ब्लू इससे डार्क है और थोड़ी डिफरेंट कलर भी है। कोई ऑरेंज पिंक होता तो येलो के साथ अच्छे से हो जाती ब्लेंडिंग, बट ये थोड़ी सी अलग कलर है, तो इसलिए आपको बस थोड़ी सी लेके उसके साथ पानी मिक्स करके ही आपको करना है। साइड पे आपको इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रश को मैंने थोड़ी सी और गीला करके और भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई जो हार्श लाइन है ये ना रहे। और इसके लिए आप पेंसिल से पहले मार्क करके फ्लावर के लिए उसके बाद कर सकते हैं। मैंने यहाँ को उतना टफ नहीं था तो मैंने कोई आउटलाइन नहीं किया है। और यहाँ पर एंड पे देख सकते हैं यहाँ पर कलर के साथ मैंने पानी मिक्स नहीं किया है, तो यहाँ पर टील ब्लू कलर के साथ एकदम डायरेक्टली टील ब्लू कलर में यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, बहुत टफ़ नहीं है, बहुत क्या बिल्कुल ही टफ़ नहीं है। तो बहुत आसान तरीके से आप ये फ्लावर बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ये कॉटन, प्योर कॉटन की एक ट्राउज़र है, आप कोई भी सूट सलवार के ऊपर भी कर सकते हैं, पुराने सलवार के ऊपर भी आप कर सकते हैं। उसको बस एक बार प्रेस कर लीजिए उसके बाद करिए। तो यहाँ पर सेरुलियन ब्लू कलर के साथ थोड़ी सी मैंने टील ब्लू कलर मिक्स करके कर रही हूँ और यहाँ पर 2 नंबर की राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कलर मैंने यूज़ नहीं किया है। इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी, आप एक बार चैनल पर ज़रूर चेक कर लेना, आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर लीव्स कर रही हूँ, बस सेम कलर से थोड़ी सी ब्रॉड करके करना है और एकदम एंड पे इसकी साइड पे सेरुलियन ब्लू कलर से हमें आउटलाइन करना है। एक साइड पे ही करना है, दोनों साइड पे नहीं करना है। अब फ्लावर के ऊपर ये भी सेम तरीके से ही करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी एक लीफ बना दूंगी। तो यहाँ पर सेरुलियन ब्लू कलर के साथ अगेन मैंने थोड़ी सी टील ब्लू कलर मिक्स करके कर रही हूँ और इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। तो ये दूसरे पैंट के पैर पे करना है सेम तरीके से, और कोई अलग कुछ भी नहीं है, सेम। इसीलिए मैंने स्पीड पे दिखा रही हूँ, आप इसको हमेशा हाथ से वॉश करें, कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट ईजी या फिर शैम्पू के साथ, और इसके हमेशा बैक साइड पर ही प्रेस करें, ऊपर आपको इसको रगड़ना नहीं है। और कलर कुछ भी नहीं होगा, ये कलर ऐसे ही रहेगा। बांगली होले बांग्लाई कमेंट करो, ये देख सकते मैंने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।